जिन लोगों को हारमोनियम के ऊपर गाना निकालना सीखना है, तो उन लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त रियाज, एक बहुत जबरदस्त अभ्यास, या फिर आप गुरु मंत्र बोल लीजिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई भी गाना निकालते हैं हारमोनियम के ऊपर या निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि मेरा गाना मेजर स्केल में कि माइनर स्केल में। आपको ये समझ होना चाहिए कि मेजर और माइनर में अंतर क्या है। साउंड में जो मेजर का अलग साउंड होता है, माइनर का अलग साउंड होता है, उन दोनों की आवाज में डिफरेंस क्या है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे मेजर कोड बजा रहा हूँ, ये हो गया मेजर कोड एफ शार्प मेजर। अभी मैं माइनर बजा रहा हूँ, ये है एफ शार्प माइनर। जिस दिन आपको इनका अंतर समझ में आया ना कि साउंड में क्या फर्क है, उस दिन आपके लिए गाना निकालना बहुत ईजी होता है। और यही अंतर समझने के लिए मैं आपको एक रियाज बताने जा रहा हूँ। हम क्या करेंगे, मेजर कॉर्ड पकड़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मेजर कॉर्ड पकड़ा एफ शार्प मेजर, इस मेजर स्केल में गाना गाया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ठीक है। ये गाना मेजर स्केल का। आपको क्या करना है, ये गाना हर एक स्केल से बजाना है, हर एक स्केल से बजाना नहीं, गुनगुनाना है। जैसे अभी मैंने ये तीसरी काली से गाया है, यानी कि एफ शार्प मेजर से गाया था, अभी मैं इसको डी शार्प मेजर, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको गाना आना चाहिए, ये हर एक स्केल से आना चाहिए। खाली ये नहीं कि मैं खाली तीसरी काली से गा सकता हूँ या दूसरी काली से गा सकता हूँ, मतलब कि 12 के 12 स्केल। जैसे कि पहले जान लीजिए 12 स्केल कौन से होते हैं, पहली सफेद, दूसरी सफेद, तीसरी सफेद, चौथी सफेद, पांचवी, छठी, सातवीं, फिर पहली काली, दूसरी काली, तीसरी, इस तरीके से 12 के 12 स्केल से आपको ये गाना गुनगुनाना आना चाहिए, ठीक है। सेम है फिर चौथी काली, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, हर एक स्केल से पूरा गाना गुनगुनाइए। यानी कि मैंने तो अभी सिर्फ एक पहली लाइन गाई है ना, आप पूरी लाइन, पूरे गाने को गुनगुनाना सीखिए। ये हो गया मेजर स्केल का गाना। सेम एज इट इज एक और, एक दो और गाने पकड़ लीजिए। जैसे एक और गाना आता है मेजर स्केल में, एक प्यार का नगमा, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है। चार पांच गाने पकड़ लीजिए, उनको हर एक स्केल से गुनगुनाना सीखिए, ठीक है। फिर इसमें एक और गाना आता है, छूकर मेरे मन को, ठीक है। तो ये गाना भी मेजर में आता। तो ये तीन चार गाने पकड़ी और हर एक स्केल से गाइए। फिर उसके बाद आ जाए माइनर स्केल के ऊपर। अभी माइनर स्केल के गाने पकड़े, जैसे कि मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा, ठीक है। ये तीसरी काली से पकड़ा, फिर इसको सेम इसी चीज को चौथी काली से, मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में महा, ठीक है। सेम एज इट इज, फिर और गाना पकड़िए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के, ठीक है। फिर इसको हर एक स्केल से, जैसे दूसरी काली पकड़ा, दूसरी काली, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, है ना, इस तरीके से हर एक स्केल से। फिर एक और गाना पकड़ लीजिए, जैसे कि मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, है ना, फिर इस गाने को। तो अभी मैंने आपको टोटल 6 गाने बताए, यानी कि 3 आपको मेजर स्केल में बताए, 3 आपको माइनर में बताए। इन 6 गानों को, यानी कि 3 मेजर स्केल के गाने और 3 माइनर के, इनको हर एक स्केल से कॉर्ड पकड़ के गाना सीखे। आप पहले दिन से इसको अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, मैं कहता हूँ आप आने वाले दिनों में आपके अंदर बहुत सारे चेंज आपको देखने को मिलेंगे। आप इजीली स्वरों को भी समझने लग जाएंगे और आपको स्वर ज्ञान भी होना शुरू हो जाएगा, आपको मेजर और माइनर में डिफरेंस भी आना शुरू हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको शुरुआत करनी है, क्योंकि यही एक शुरुआत करने का तरीका है जिससे आपको स्वर ज्ञान होगा। क्योंकि गाना निकालने के लिए जो मेन चीज़ है, स्केल की समझ होना जरूरी है कि गाना मेजर स्केल में कि माइनर स्केल में, फिर प्लस स्वर ज्ञान होना जरूरी है। जब ये तीनों चारों चीजें कॉम्बिनेशन में चलेंगे, आपके लिए दुनिया का कोई भी गाना बजाना ईजी हो जाएगा। भले आपको कोई राग आता है या नहीं आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राग हम लोग सीखते हैं इम्प्रोवाइजेशन के लिए, अपनी जो नॉलेज है उसको और खूबसूरत बनाने के लिए, और बढ़ाने के लिए हम लोग राग सीखते हैं, ठीक है।
आप ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि राग निकालने से, राग सीखने से मुझे गाना निकालना है। राग निकालने से गाना नहीं आता, गाना आता है स्वर ज्ञान से। स्वर ज्ञान के लिए आपको स्केल आने जरूरी है, आपको हर एक स्केल से गाना गुनगुनाना आना चाहिए, जैसे कि अभी हमने सीखा है। सेम इसी तरीके से मेजर गानों को प्रैक्टिस करिए और माइनर का प्रैक्टिस करिए, इस तरीके से आपको धीरे धीरे अनुभव होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, इस तरीके से आप रियाज करिए और आगे बढ़िए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में।